भगवान बुद्ध के 250 वर्ष के बाद भारत में एक सम्राट हुआ जो पहले चंद अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि बड़ा खूंखार था, निर्दयी था, सत्ता के लोभ में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार था और किया भी। लेकिन उसके सौभाग्य से, और मैं तो कहूंगा मानव जाति के सौभाग्य से, वो भगवान की शिक्षा के संपर्क में आया तो बदल गया। चंद अशोक धम्म अशोक बन गया। वो कुछ समय के लिए भगवान की शिक्षा को बहुत अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बहुत दूर राजस्थान में बैराठ में गया, बैराठ नगर में, जो पुराने जमाने में विराटनगर कहते थे, वहां गया। इतनी लंबी यात्रा की, राजा होते हुए भी, सम्राट होते हुए भी, सारी सुविधाएं होते हुए भी, इतनी इतनी दूर की यात्रा करनी कठिन होती है। कठिन इस माने में नहीं कि उनको शारीरिक तकलीफ हो गई, कठिन इस माने में कि राजधानी छोड़कर इतनी देर बाहर रहे तो यहां कुछ उपद्रव हो सकता है। लेकिन वो धर्मराज है, अपने राज्य की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कहीं कोई उपद्रव का नामो निशान नहीं। बैराठ क्यों गया? वहां एक विपश्यना के आचार्य कोई, उनका नाम उपगुप्त लेते हैं, कोई भी थे, विपश्यना के कोई महान आचार्य थे। थ्योरी की बात सारी समझ ली बुद्ध की। बुद्ध की शिक्षा को सही तरह से समझने के लिए उन्होंने जो अपने भीतर सच्चाई को जानने की एक विद्या सिखाई, उसका अभ्यास किए बिना बुद्ध की शिक्षा को मैं पूरी तरह समझ गया ऐसा उसने नहीं माना। तो वहां जाकर के हम नहीं जानते, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने उसने विपश्यना का अभ्यास किया। उस सारी यात्रा जाने की, वहां रहने की और वापस आने की लगभग 300 दिन एक सम्राट अपनी